Hello everyone, this is Sumangal Sikarwar and you are watching English Way Academy. The Happy Prince, इस चैप्टर को हम पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले तीन पार्ट्स में मैंने इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया है, पूरा का पूरा डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया है फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी. आप उस चैप्टर को जरूर देखिए, उन तीनों वीडियोज़ को जरूर देखिएगा. मैं नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर वीडियो के लास्ट में उनकी लिंक आपको ज़रूर मिल जाएगा, उनका ऐड आपको ज़रूर मिल जाएगा, कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आपको लास्ट में मिल जाएगा. उन वीडियोज़ को सारे देखिए अगर आपने नहीं देखे हैं तो. आज के वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं और ये क्वेश्चंस आपको लगाने हैं. इनमें से एक भी क्वेश्चन हटकर एग्जाम पेपर में नहीं आता है, ये पूरे के पूरे क्वेश्चन ही आप ये मान के चलिए. वैसे तो वर्कबुक जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें क्वेश्चन जो दिए हैं उनमें से छांटे हैं, कुछ क्वेश्चन में से छोड़ रखे हैं मैंने, लेकिन इनमें से हट के क्वेश्चन कभी नहीं आ सकता. इसलिए यही क्वेश्चन आपको लर्न करने हैं. आपको ये सारे क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. पहली बार इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट मेड द स्वेलो स्टे बिहाइंड इवन आफ्टर हिज फ्रेंड्स हैड गॉन टू इजिप्ट. स्वेलो पीछे क्यों रह गया जबकि उसके दोस्त इजिप्ट पहुंच भी चुके थे. आंसर है, द स्वेलो वॉज इन लव विद द ब्यूटीफुल रीड. स्वेलो एक सुंदर घास के प्यार में था. ही वॉज डीपली अट्रैक्टेड बाई हर स्लेंडर वेस्ट. वो बहुत ज़्यादा उसकी पतली कमर से प्रभावित था. देयरफॉर ही स्टेड बिहाइंड इवन आफ्टर हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट. इसलिए उसके दोस्त जब आगे निकल भी गए तब भी वो पीछे रह गया. उस रीड के आकर्षण में, उसके अट्रैक्शन में वो पीछे रह गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वॉज द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस हैप्पी एडॉर्न्ड विद. हैप्पी प्रिंस की मूर्ति जो थी वो किस से सुसज्जित थी. आंसर है, द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस वॉज ग्रेसफुली एडॉर्न्ड. हैप्पी प्रिंस की मूर्ति बहुत ज़्यादा ग्रेसफुली एडॉर्न्ड थी, सुसज्जित थी. इट वॉज कवर्ड ऑल ओवर विद थिन लीव्स ऑफ गोल्ड. चारों तरफ से सोने की पतली पतली पत्तियों से ढकी हुई थी ये. ही हैड टू ब्राइट सेफिर्स इन हिज आइज. उसकी आँखों में दो चमकीले सेफिर थे. अ लार्ज रूबी ग्लोड ऑन हिज सॉर्ड हिल्ट. और उसकी तलवार की नुक पर एक बड़ा सा रूबी चमक रहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द पीपल एडमायर द ब्यूटी ऑफ द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस. लोग हैप्पी प्रिंस की मूर्ति की सुंदरता को किस तरह से, कितना एडमायर किया करते थे, प्रशंसा किया करते थे. आंसर है, द पीपल एडमायर द ब्यूटी ऑफ द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस इन मैनी वेज. कई तरीके से वो उसकी प्रशंसा किया करते थे. और वन ऑफ द टाउन काउंसलर सेड, एक टाउन काउंसलर ने कहा, द हैप्पी प्रिंस इज़ एज ब्यूटीफुल एज वेदर कॉक. टाउन काउंसलर ने कहा कि हैप्पी प्रिंस उतना ही सुंदर है जितना कि एक वेदर कॉक होता है. द चैरिटी चिल्ड्रन सेड, चैरिटी अनाथ आश्रम वाले बच्चों ने कहा, द हैप्पी प्रिंस लुक्स जस्ट लाइक एन एंजल. हैप्पी प्रिंस बिल्कुल एंजल की तरह दिखता है. इसके अलावा भी लिख सकते हैं हम इसको बड़ा करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर डिड द स्वेलो पुट अप एट नाइट. स्वेलो ने रात कहाँ गुजारी. आंसर है, द स्वेलो फ्लू ओवर द सिटी वन नाइट. एक रात वो सिटी के शहर के ऊपर से गुजरा. ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, पूरे दिन भर वो उड़ा. ही गॉट टायर्ड, वो थक गया. एट नाइट रात में, एंड फ्लू डाउन और नीचे उड़ के आया. द टाउन हैड गॉन टू स्लीप, शहर सो चुका था. ही सेट एट द स्टैचू, वो मूर्ति के पास आया. ही डिसाइडेड टू पुट अप एट नाइट देयर. और उसने डिसीजन लिया, निर्णय किया कि वहीं वो रात को गुजारेगा. ही स्पेंड द नाइट जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस. उसने पूरी रात हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीच में गुजारी. इट वॉज जस्ट लाइक अ गोल्डन बेडरूम. ये उसके लिए एक गोल्डन बेडरूम की तरह ही था. क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, वाई वॉज द हैप्पी प्रिंस वीपिंग. हैप्पी प्रिंस क्यों रो रहा था. आंसर है, व्हेन द हैप्पी प्रिंस वॉज अलाइव, जब हैप्पी प्रिंस जीवित था, ही डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वर. वो जानता नहीं था कि आंसू क्या होते हैं. ही लिव्ड इन अ पैलेस, वो एक महल में रहा करता था. वेयर सोरो वॉज नॉट अलाउड टू एंटर, जहाँ पर दुखों के आने की अनुमति नहीं थी. द कोर्टियर्स कॉल्ड हिम हैप्पी प्रिंस, सारे प्रतिनिधि राजकाज के उसे हैप्पी प्रिंस कहा करते थे. नाउ बिकॉज ही द हैप्पी प्रिंस सेट वेरी हाई, अब उसकी मूर्ति बहुत ऊंचाई पर जब लगा दी है, ही कैन सी द
अगलीनेस एंड माइजरिश ऑफ द सिटी वेरी इजली, इसलिए उसे शहर की सारी कुरूपता और दयनीयता दिखाई देती है। देयरफॉर ही वॉज वीपिंग, इसलिए वो रो रहा था। एज ही कुड नॉट बियर द माइजरिज ऑफ द सिटी, क्योंकि वो शहर की माइजरिज दयनीयता को नहीं सह पा रहा था। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई डिड द हैप्पी प्रिंस नॉट नो द सफरिंग ऑफ द पीपल व्हेन ही वॉज अलाइव, जब हैप्पी प्रिंस जीवित था तो लोगों की पीड़ाओं के बारे में क्यों नहीं जानता था। आंसर है, व्हेन द हैप्पी प्रिंस वॉज अलाइव, जब हैप्पी प्रिंस जीवित था, ही यूज टू लिव इन अ पैलेस, वो एक महल में रहा करता था। महल का नाम था सौ सौसी, सोरो एंड सफरिंग्स वर नॉट अलाउड टू एंटर इन द पैलेस, उस महल में दुखों के और पीड़ाओं के आने की अनुमति ही नहीं थी। ही लीड अ जॉयफुल लाइफ, वो एक खुशी भरी जिंदगी जी रहा था। ही हैड नो कॉन्टैक्ट विद द पीपल, उसे लोगों से कोई संपर्क नहीं था। देयरफॉर ही डिड नॉट नो अबाउट देयर सफरिंग्स, इसलिए वो उनकी पीड़ाओं के बारे में नहीं जानता था। एवरीथिंग अबाउट हिम वॉज ब्यूटिफुल, उसके बारे में उसके चारों तरफ सब कुछ सुंदर ही सुंदर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू हुम डिड द हैप्पी प्रिंस गिव द रूबी एंड वाई, हैप्पी प्रिंस ने रूबी किसे दिया और क्यों। द हैप्पी प्रिंस गेव द रूबी टू द सीम स्ट्रेस, एक बुनकर को हैप्पी प्रिंस ने रूबी दिया। फार अवे इन द लिटिल स्ट्रीट, जो कि बहुत दूरी पर एक छोटी सी गैली में रहा करती थी। हर लिटिल सन ले इन द बेड, उसका छोटा बच्चा बेड पर लेटा हुआ था। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, वो भी बुखार से पीड़ित था। ही वॉज आस्किंग फॉर ऑरेंजेज एज वेल, और वो ऑरेंजेज भी मांग रहा था, संतरे भी मांग रहा था। ही वॉज क्राइंग बिकॉज हिज मदर कुड नॉट अफोर्ड टू गिव हम एम एनी थिंग बट रिवर वाटर, वो रो रहा था क्योंकि उसकी माँ उसे कुछ नहीं दे सकती थी, उसके पास केवल उसे देने के लिए नदी का पानी था। Therefore the happy prince gave her the ruby, इसलिए happy prince ने उसे रूबी दिया। Next question है, यहाँ पर देखिए, what were the happy prince's eyes made of, happy prince की आँखें किसकी बनी थी। What did he do with them, और उन आँखों का उसने क्या किया। The eyes of the happy prince were made of two bright sapphire, happy prince की आँखें दो चमकीले नीलम से बनी थी। ही gave वन सेफिर टू अ प्ले राइट, उसने एक सेफिर तो एक प्ले राइट को दे दिया, एक नाटककार को। ही वॉज फीलिंग कोल्ड एंड वॉज हंग्री, जैसे ठंड लगी हुई थी और भूखा था। ही गेव द अदर सेफिर टू अ लिटिल मैच गर्ल, और दूसरा सेफिर उसने एक छोटी सी माचिस बेचने वाली लड़की को दिया। शी हैड लेट हर मैचेस फॉल इन हर इन द गटर एंड वॉज क्राइंग, जिसने अपनी माचिसें गिरा दी थी, गिर पड़ी थी उससे, और वो रो रही थी। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन्ड टू द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस एट लास्ट, अंत में हैप्पी प्रिंस की मूर्ति का क्या हुआ। आंसर इसका, द मेयर एंड द टाउन काउंसलर सॉ द अगली स्टैचू, मेयर ने और टाउन काउंसलर ने उस अगली बद्दी से दिखने वाली मूर्ति को देखा। Then they melted the statue in furnace, फिर उन्होंने उस स्टैचू को पिघलाया। It was decided that the mayor's statue should be made out of the metal, और ये डिसीजन लिया गया कि उस मेटल से, उस धातु से उसकी मेयर की मूर्ति बनाई जाएगी। The broken lead heart did not felt, जो लीड का दिल था वो melt नहीं हुआ, वो पिघला नहीं in a furnace, hence it was thrown in द डस्ट हीप, इसलिए उसे कचड़े के ढेर पर फेंक दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर डिड द स्वेलो गो टू इजिप्ट गिव रीजन्स, क्या स्वेलो इजिप्ट गया और कारण बताइए। लिखा है, नो द स्वेलो डिड नॉट गो टू इजिप्ट बिकॉज, स्वेलो इजिप्ट नहीं गया क्योंकि वॉज इन लव विद मोस्ट ब्यूटिफुल रीड, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा सुंदर घास से प्यार हो गया था, रीड से। और सेकेंड है, ही हैड गॉन ब्लाइंड एंड He did not want to leave the happy prince, और यहाँ पर क्या है, happy prince अंधा हो चुका था और इसलिए वो happy prince को छोड़ना नहीं चाहता था। He had lost his strength to fly, उसने अपने उड़ने की ताकत खो दी थी, and died at the feet of the happy prince, और वो happy prince के पैरों में के नीचे मर गया,
उनके पैरों पर मर गया। यहाँ पर सेकंड पॉइंट जो है यहाँ पर लिखा है ही हैड गॉन ब्लाइंड, इसकी जगह लिखेंगे द हैप्पी प्रिंस हैड गॉन ब्लाइंड एंड ही, फिर पूरा वैसा का वैसा कर देंगे। यहाँ पर हैप्पी प्रिंस लिखना होगा या आपको द हैप्पी प्रिंस हैड गॉन ब्लाइंड एंड ही डिड नॉट वॉन्ट टू लीव हिम लिख सकते हैं लास्ट में द हैप्पी प्रिंस की जगह पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। What were the two most precious things in the city that the angel brought to God? दो कीमती चीज़ें क्या थी जो एंजल देवदूत भगवान के लिए लाया, भगवान के पास लेके आया। आंसर है द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग्स इन द सिटी दैट द एंजल ब्रॉट टू गॉड वर फर्स्ट द लेडन हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, पहला था हैप्पी प्रिंस का लीड का दिल, एंड द सेकेंड वन द डेड स्वेलो, और दूसरी वाली चीज़ थी वो मरा हुआ पक्षी था स्वेलो। दे हैड डन समथिंग गुड फॉर द पुअर एंड द नीडी, उन्होंने गरीबों के लिए और ज़रूरतमंदों के लिए कुछ अच्छा काम किया था इसलिए वो स्वर्ग में गए। बोथ द एंजल एंड द गॉड कंसिडर देम द मोस्ट प्रीसियस थिंग द थिंग्स फॉर द हैपन, वहाँ पर भगवान ने और देवदूत दोनों ने ही ये माना, सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ माना उन दोनों चीज़ों को स्वर्ग के लिए। अब अगला क्वेश्चन है हाउ डिड द हैप्पी प्रिंस कंपेंसेट हिज इग्नोरेंस ऑफ द पीपल सफरिंग, हैप्पी प्रिंस किस तरह से कंपेंसेट मतलब भरपाई करना होता है, हैप्पी प्रिंस लोगों की पीड़ाओं की किस तरह से भरपाई करता है। तो आंसर है द हैप्पी प्रिंस यूज टू लिव इन अ पैलेस, एक महल में रहा करता था। वाइल ही वॉज ले अलाइव, जब वो जीवित था सौरव वॉज नॉट अलाउड टू एंटर हिज पैलेस, उसके महल में दुखों के आने की अनुमति नहीं थी। देयरफॉर ही वॉज इग्नोरेंट ऑफ हिज पीपल सफरिंग, इसलिए अपने लोगों की पीड़ाओं से अपरिचित था। ही नेवर केयर टू आस्क वॉट ले बियॉन्ड द गार्डन वॉल, उसने कभी भी पूछने की कोशिश नहीं करी कि उसके महल के चारों तरफ जो दीवार है उसके परे क्या है, गार्डन वॉल है बगीचे की चारों तरफ जो दीवार है उसके उस तरफ क्या है। ही लिव्ड एंड डाइड इन प्लेजर, वो खुशी में ही रहा, जीवित रहा, खुशी में ही हंसते हंसते ही मर गया। एंड हैप्पीनेस ही कंपेंसेटेड हिज इग्नोरेंस, उसने अपनी अज्ञानता को इस तरह से दिखावा किया, इस तरह से पछतावा किया। ही सेड दैट ही गॉट द फर्स्ट व्यू ऑफ माइजरी एंड सफरिंग इन द सिटी आफ्टर द डेथ, उसने बताया कि मृत्यु के बाद ही मुझे दयनीयता और पीड़ाओं के बारे में पता चला है। ही वॉज सेट अप सो हाई एज अ स्टैचू, मूर्ति के रूप में उसे इतनी ऊँचाई पर स्थापित किया गया है। ही कुड सी माइजरी एंड अग्लीनेस ऑफ द सिटी अराउंड हिम, उसके चारों तरफ वो बता रहा है कि मैं अपने चारों तरफ दयनीयता देख पा रहा हूँ। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, देखिए हाउ वॉज द स्वेल इंस्ट्रूमेंटल इन लेसनिंग द माइजरी ऑफ द पीपल, लोगों की पीड़ाओं को कम करने के लिए स्वेलो एक इंस्ट्रूमेंटल कैसे साबित हुआ, इंस्ट्रूमेंटल एक मतलब एक मददगार कैसे साबित हुआ। तो आंसर है यहाँ पर द हैप्पी प्रिंस सॉ ऑल द अग्लीनेस ऑफ द माइजरी ऑफ द सिटी, हैप्पी प्रिंस ने शहर की सारी अग्लीनेस, क्रूरता और दयनीयता के बारे में उसने पता किया, उसने सब कुछ देखा। ही फाउंड अ हेल्पमेट इन द स्वेलो थ्रू हिम, स्वेलो में उसे एक मददगार एक दोस्त मिला, उसके द्वारा ही सेंट अ रूबी टू द सीम स्ट्रेस, के द्वारा उसने सीम स्ट्रेस को एक बुनकर को रूबी भिजवा दी। इट enabled her to buy oranges for her son suffering from fever, जिसकी वजह से वो अपने बेटे के लिए ऑरेंज खरीद सकती थी जो कि ऑरेंज मांग रहा था और जो कि बुखार से पीड़ित था। Then he sent a sapphire to a playwright, फिर उसने एक सैफिर एक playwright को भिजवा दिया। He removed his कोल्ड एंड हंगर विद इट, और उसकी सहायता से उस प्लेराइट ने अपनी भूख को और ठंड को मिटा लिया। लेटर बाद में ही सेंट सेफिर टू अ मैच गर्ल, उसने एक सेफिर अपनी एक माचिस बेचने वाली लड़की को भिजवाया। शी एक्सचेंज इट, उसने इसे बदल दिया विद मनी पैसे से। इट स्टॉप्ड हर फ्रॉम
क्राइंग एंड सेव्ड हर फ्रॉम बीइंग बीटन बाय हर फादर। इसकी वजह से, इसकी सहायता से उसने, उसका रोना बंद हुआ, जो कि रो रही थी क्योंकि उसकी माचिस गिर पड़ी थी और उसके पिता से पिटाई लगने से उसकी बच गई। इन दिस वे, इस तरह से द स्वेलो प्रूव्ड इंस्ट्रूमेंटल इन लेसनिंग द मिजरीज ऑफ द पीपल। इस तरह से लोगों की पीड़ाओं को कम करने में एक स्वेलो एक इंस्ट्रूमेंटल, एक मददगार साबित हुआ। अब इस चैप्टर से एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन इनको आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है खास। आप इन्हें देख सकते हैं, 3 क्वेश्चंस हैं जिसमें एक में पूछा गया हाउ डिड द सेफिर हेल्प द प्ले राइट, सेफिर की सहायता से प्ले राइट को कैसे मदद की मिली, ये लास्ट क्वेश्चन में अभी मैंने पढ़ाया, उसमें देख सकते हैं आप। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्ले राइट, प्ले राइट जो नाटककार था उसका डिस्क्रिप्शन बताना है कि किस तरह का दिखता था वो। फिर एक और क्वेश्चन है यहाँ पे गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सीमस्ट्रेस, सीमस्ट्रेस कैसी दिखती थी उसका वर्णन देना है। फिर है व्हाई डिड द स्वेलो नॉट लाइक द बॉयज, स्वेलो लड़कों को क्यों पसंद नहीं करता था, इस बारे में भी ये पूछा गया है। लड़कों को इसलिए पसंद नहीं करता था क्योंकि दो मील वाले के पुत्र थे, वो उसके उस पर पत्थर अक्सर फेंका करते थे, जिस वजह से आपने चैप्टर पढ़ा हो तो आपको इसका आंसर पता है। लेकिन ये क्वेश्चन कभी पूछे नहीं जाते हैं आपको एक्स्ट्रा में, लॉस से बचने के लिए, कभी रिस्क से जो बचने के लिए ये क्वेश्चन बताए गए हैं कि आप रिस्क में ना रहें। तो इस तरह के एक्स्ट्रा क्वेश्चन को पढ़ के देख सकते हैं। अगर आपको एक्सप्लेन, इसको, इनका भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इनको भी मैं आपको समझा दूंगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको ऑनलाइन क्लास की नोटिफिकेशन हमेशा समय पर मिल जाया करे। अब आगे के वीडियो में हम आगे के चैप्टर को करेंगे, लेकिन आपका एक टेस्ट लूँगा मैं, आपको इस चैप्टर से और पिछले चैप्टर से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आगे के वीडियो में, इसलिए इनका रिवीजन जरूर कर लें। पिछला चैप्टर जो गुडविल चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर आपका, उसमें तो क्वेश्चन आंसर एक भी है नहीं क्योंकि उनमें से एक्सट्रैक्ट आते हैं, तो एक्सट्रैक्ट को देख लेना। उसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन या फिर वैसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूँ, आपको लाइव क्लास में कमेंट बॉक्स में जवाब देने होंगे। और इसी तरह से इसका भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको, उसके लिए भी यही करना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में आपको लाइव क्लास जब भी होगी अगली, उसमें उनके आंसर देने पड़ेंगे। So that's enough for today. Thanks for watching video.